सनातन संस्कृति में एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वैसे तो साल में कई एकादशी व्रत आते हैं, उन्हीं एकादशी व्रतों में से एक है जया एकादशी व्रत, जो हर साल माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस साल जया एकादशी व्रत कल यानी 20 फरवरी मंगलवार को रखा जाएगा। मान्यता ऐसी है कि इस एकादशी व्रत को सच्ची आस्था और विधि विधान से करने से जीवन की सारी कठिनाइयां और दोष समाप्त हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं जया एकादशी के दिन कौन कौन से कार्य हैं जो जया एकादशी के अवसर पर करने चाहिए। जया एकादशी है और ये एकादशी जो है, इस एकादशी का बहुत महत्व है। दोस्तों, जया एकादशी जो है वो माघ शुक्ल पक्ष एकादशी को कहा जाता है। इस दिन सुबह सवेरे उठकर और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए संकल्प लेना चाहिए कि आज हम जया एकादशी करेंगे। हे प्रभु विष्णु, आप हमें शक्ति देना। इस प्रकार से कामना करके स्नान वगैरह नित्य क्रिया करें। नित्य क्रिया करने के बाद में विष्णु भगवान का पूजन करें। विष्णु भगवान का पूजन के साथ साथ आप लक्ष्मी जी का पूजन करें। दोस्तों, जया एकादशी का मैं महत्व बता रहा हूँ कि जया एकादशी क्यों करनी चाहिए। दोस्तों, जिन लोगों को भूत प्रेत संबंधी समस्या हो या जिनके गण कमजोर हो, उन लोगों को जया एकादशी करनी चाहिए। जया एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के पश्चात भगवान विष्णु के सामने आपको दीपक जलाकर हस्त में जल लेकर संकल्प लेना चाहिए कि आज के दिन हम ब्रह्मचारी का पालन करेंगे। और देखिए दोस्तों, सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक भोजन करने से विचार उत्तम होते हैं। इसी प्रकार कामना करके दिन व्यतीत करें। शाम को आप फलाहार ले सकते हैं और फलाहार के साथ साथ सहगार भी आप ले सकते हैं और गीत संगीत और भजन गाते हुए प्रभु का स्मरण करता हुए समय व्यतीत करें। दोस्तों, इससे ये फायदा होगा, एक तो आपका ओज बढ़ेगा, एक आपका तेज बढ़ेगा, साथ ही साथ दोस्तों आपके जीवन में जो कठिनाई आ रही है वो कठिनाई समाप्त हो जाएगी और आपको विजय प्राप्त होगी। स्टूडेंट को अपनी परीक्षा में सफलता के लिए जया एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए।